ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो वीडियो का टाइटल हमने देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पीएनजीज का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तब सिंपली वीडियो देखने जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है तो उसको डाउनलोड कर लेना है वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद आप सभी को करना क्या है, यहाँ पे अपने मॉडल को सिंपली ऐड कर लेना कुछ इस टाइप से। एंड मॉडल को आपको सिंपली आपको इसके में यहाँ पे इस किसी अपने मतलब कि ज़्यादा छोटा बड़ा साइज ना हो जाए, इस हिसाब से आप सभी को लगाना है क्योंकि आप सभी को ऊपर जो ओगी का पीएनजी है ये आपको दिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए आप सभी को अपने मॉडल को थोड़ा एडजस्ट करके लगाना है, ठीक है, जिस टाइप से आप सभी को मॉडल को लगा लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को आगे करना है क्या, फिर मैं आप सभी बताता हूँ। तो यहाँ से कर देना अभी डन। एंड उसके बाद गाइस आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को स्मोक का पीएनजी, तो गाइस पीएनजी को लेना है। एंड इसका ब्लेंडिंग मोड जो आप सभी को स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से इसको साइज को बड़ा करके कुछ इस टाइप से नीचे की तरफ लगा लेना है। इतना कर लेने के बाद आप सभी को अभी यहाँ से कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को जाना है एफएक्स में। एफएक्स में जाने के बाद आप सभी को जाना ब्लर वाला ऑप्शन। ब्लर वाला ऑप्शन में जाने के बाद इसके ओपेसिटी 2 तक रख देनी है। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ से जाना है रिजर टूल में। रिजर टूल में जाने के बाद इन्वर्ट कर देना, ब्रश को सिलेक्ट करना, साइज छोटा कर देना है। उसके बाद आप सभी को सिंपली अपने फेस के ऊपर कुछ इस टाइप से पेंट कर लेना है पूरे में, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको फेस में जरूरत है, आप सभी को लगता है कि यहाँ पे हमें करना चाहिए, तो आप सभी को वहाँ पे कर लेना है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, मैं आप सभी को आगे बताता हूँ वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने पूरा परफेक्टली कर लिया, तो आप यहाँ से करते हैं हम डन। उसके बाद जाएंगे हम टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद आप सभी को जाना एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को इसका जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। उसके बाद जाना आप सभी रिजर टूल में, इन्वर्ट कर देना, बस के साथ को थोड़ा छोटा कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली फेस के ऊपर डोजन बन करना है कुछ इस टाइप से। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, एक यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। एक इतना कर देने के बाद एक आपको यहाँ पे भी कर देनी है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको एक नेक के ऊपर भी कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ से आप सभी को करना है कि आप सभी को जो मतलब साइड में हो गया इसको मैं पहले इरेज़ कर लेता हूँ। उसके बाद आप सभी इसको अमाउंट जो है अराउंड 5-6 तक कुछ रखना है, ठीक है। इतना अमाउंट रख देना है, ठीक है, 8 तक रख देना अमाउंट। एंड उसके बाद कर देना यहाँ पे डन, ठीक है। उसके बाद करना आपको बॉडी के ऊपर, तो फिर जाएंगे टूल्स में, फिर एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे। उसके बाद जाएंगे रिजर टूल में, इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश के साथ को थोड़ा सा छोटा रख के कुछ इस टाइप से हमें अपनी पूरी बॉडी के ऊपर करना है। तो एक आप सभी को यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जहाँ जहाँ पे आप सभी को लगे कि हाँ यहाँ पे थोड़ा अच्छा शाइनिंग आ सकती है, तो वहाँ पे आप सभी को कुछ इस टाइप से लाइन ड्रॉ कर देनी है जैसे मैं आप सभी को दिख रहा है स्क्रीन में। तो ऐसे कर देने के बाद आप सभी को थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ा के रख देना है अराउंड 15 तक, ठीक है। इतना कर देना आप सभी को डन कर देना। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फोटो कर लेना सेव। एंड उसके बाद यहाँ से चलना आप सभी को बैक। एंड ऐसे हमें करनी कलर करेक्शन जो करते हैं लाइट रूम मैप के अंदर। तो यहाँ से यार लाइट रूम मैप को अपने ओपन कर लिया है। तो फिर जब तक हमारा लाइट रूम मैप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया होता, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप में से कोई भी भाई मेरा चैनल पर नया है, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ तो उसकी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिले। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो बिना किसी रुकावट के यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो उसके बाद क्या करना है, आप सभी को इस फोटो को यहाँ पे ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन कर लेने के बाद आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को नीचे लाइट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सभी को इस पे जाना है। इसमें जाने के बाद आप सभी को जो कॉन्ट्रास्ट है इसको इंक्रीज कर देना है, हाईलाइट है इसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड जो शेडो है आप सभी को इसको थोड़ा कम कर देना है, व्हाइट को जो आप सभी को बढ़ा देना है, ब्लैक है जो गाइस इसको आपको थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद जाना आप सभी को नीचे कलर्स वाले ऑप्शन में। उसके बाद जिसका वाइब्रेशन है आप सभी को इसको बढ़ा देना है। उसके बाद आप सभी को जाना मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आप सभी को जाना ऑरेंज कलर में, फिर ऑरेंज कलर के सैचुरेशन को माइनस कर देना है। उसके बाद आपको ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को यहाँ पे येलो कलर में इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है। फिर उसके बाद जाना ब्लू कलर में, अगर आपके कपड़ों में ब्लू कलर या कहीं आ रहा है तो उसको आप थोड़ा सैचुरेशन कम कर सकते हो। उसके बाद आप सभी को कर देना है डन। उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, उसके बाद जो फोटो क्लियरिटी है आप सभी को उसको बढ़ा देना है। फोटो में जो है आपको विग्नेट डालना है थोड़ा सा। एंड उसके बाद जो नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको ग्रीन अमाउंट दिखेगा, तो उसको आप थोड़ा बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो जो शार्पनेस है उसको इंक्रीज कर देना है, नोट रिडक्शन इसको बढ़ा देना है, एंड जो कलर नोट रिडक्शन इसको बढ़ा देना है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, गाइस आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।